वो तमाम लोग जो सिवई की खीर के शौकीन हैं और जिन्होंने ये खीर नहीं बनाई, आज भैया रेसिपी सीख लें। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ कोर्स सिवई है एंड दिस इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। साथ में आमंड्स, कैशूज, रेजन्स लें और स्वाद के लिए थोड़ी सी इलायची जरूरी है। इसके साथ एक ग्लास दूध, मिल्क मेड, शक्कर और शुद्ध घी। अब आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से काट लीजिए एंड लो, यू आर रेडी फॉर स्टेज टू। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स। कढ़ाई लें या पैन लें, उसमें शुद्ध घी डालें। घी को डालने में कंजूसी ना करें वरना स्वाद नहीं आएगा। इसके बाद सिवई लें, पिघले हुए घी में सिवई को डालें और उसको अच्छे से धीरे धीरे से स्टर करना शुरू कर दें। इसके बाद आपने ड्राई फ्रूट्स जो काटे हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर दें, फिर से स्टर करें। आपका एम है कि सिवई इन ड्राई फ्रूट्स के साथ गोल्डन ब्राउन दिखनी चाहिए और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इस मिक्सचर को आप धीमी आंच में करीब 1.5 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो इस गोल्डन ब्राउन मिक्सचर में एक ग्लास आप दूध डालें और धीरे धीरे इसको फिर से स्टर करें। इसके बाद आपको जितनी मिठास पसंद है तो भैया उसके हिसाब से आप इस खीर में शक्कर डालें, एक बार फिर से घुमाएं और मिल्क मेड 1 पूरी चम्मच डालें। मेरा मिल्क मेड खत्म हो गया था इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला है। देखिए अभी से खीर में क्या उबाल आ रहा है, क्या रिचनेस आ रही है, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। खैर ये हो जाए तो इसकी कैप लें और कम से कम 1.5 से 2 मिनट या 2.5 मिनट तक इसको रहने दें, फिर निकालें एंड लीजिए, आपकी गर्मा गर्म सिवई की खीर रेडी हो गई है। ऊपर से चाहे तो थोड़े से काजू बादाम और मिला दें और ज्यादा मजा आएगा। सिवई की देखो खास बात यही है, चाहे गर्मा गर्म खाएं या 2-3 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल के खाएं, दोनों में ही मजा है। मेरी तो पॉलिसी जिंदगी की यही है कि जिंदगी में मिठास लाने के लिए मीठा खाना बहुत जरूरी है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मुझे सब चलेगा।